नायक प्रिनोज में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आईएसओ फाइल को बूटेबल सीडी या बूटेबल डीवीडी में कैसे कन्वर्ट करते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर यूज करके। अगर आप जानना चाहते हो कैसे बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर यूज करके, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं उसे कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं उसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए मेरे पास एक ब्लैंक डीवीडी है एंड ये देख लीजिए मेरे पास एक विंडोज 10 का आईएसओ फाइल है। इस फाइल को हम डीवीडी में राइट करेंगे। अगर आप किसी भी फाइल को आईएसओ फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप नहीं जानते हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए हम इस फाइल को मेरा डीवीडी में राइट कर लेते हैं। उसके लिए सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे बर्न डिस्क इमेज इसमें क्लिक कीजिए, उसके बाद सिंपली बर्न में क्लिक कीजिए एंड ये देख लीजिए मेरा फाइल मेरा डीवीडी में राइट होना शुरू हो गया। एंड ये देख लीजिए बर्न कंप्लीट हो गया। जैसे ही बर्न कंप्लीट हुआ मेरा डीवीडी रेडर से एग्जिट हो गया। चलिए आप देख लेते हैं मेरा डीवीडी बूटेबल डीवीडी में कन्वर्ट हो गया या नहीं। एंड ये देख लीजिए मेरा डीवीडी बूटेबल डीवीडी में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, उसके साथ साथ कमेंट करना मत भूलिए एंड सबसे जरूरी बात, मेरी ऐसी और कंप्यूटर मोबाइल एंड इंटरनेट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।